काम धंधा इन लोग का जीरो वाइज सन्नाटा है। हम किसी क्लब का नाम नहीं लेंगे, ये लोग लॉटरी वाला जिनका काम है अलग अलग तरीकों से जनता का शोषण करना। जो लोग भी क्लब में जुड़े हुए हैं उन लोग का डॉक्टर का फीस जाके आप देखिए, बिहार में एक आदमी से लोग 800,000 रुपया फीस लेते हैं। अब नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार शरीफ के हृदय स्थली हरदेव चौक पर, जो कभी हॉस्पिटल मोड़ के नाम से जाना जाता था, अब जो है नाम में धीरे धीरे हम लोग को परिवर्तन करना होगा पूरे शहर वासियों को, और इसको हम लोग को अब हरदेव चौक बोलना होगा। जैसा कि देख चुके होंगे कि उधर प्रतिमा जो है लग चुकी है, और साथ ही अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच के सभी कार्यकर्ता और सदस्यगण उपस्थित है। तो चलिए बात करते हैं कि इस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, और ये कार्यक्रम पिछले वर्षों 2-3 साल से शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद है, तो चलिए सबसे पहले इधर बात करते हैं आशुतोष जी से। तो सर, आज जो है हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हरदेव जी के प्रति, एक दीप शहीदों के नाम के प्रति, और देखा गया है कि बड़े बड़े लोग भी कल पेपर में अखबार में सुर्खियां थी एक दीप शहीदों के नाम पे, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, एक भावना है हमारे नालंदा के लाल जो एक अंदर सराय के रहने वाले थे, सब लोग इस बात को अब जानते हैं। हरदेव मंच के निमित्त इस बात को पूरी तरीके से उठाया गया, और आज उसका नतीजा है कि प्रतिमा भी लग गया है, उसका अनावरण होना है। आज के दिन दीपावली के दिन एक दीप एक दिया शहीदों के नाम, यहाँ से शहीद हरदेव जी हुए, यहाँ पे हम लोग जला रहे हैं, लेकिन हम लोग आह्वान करते हैं कि सभी देशवासियों को, सभी नालंदा जिले वासियों को ये भावना होनी चाहिए कि कम से कम शहीदों के नाम एक दीप जरूर जलाएं, जहां भी रहे उनके आत्मा को शांति मिले और उनका स्मरण। और सर, इस तरह से दीप जलाए तो यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ बैनर जो है चारों तरफ से एकदम घेर दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा नगर निगम क्या संदेश? नगर निगम को दोष देने से ज्यादा है जो लोग लगाने वाले हैं। काम धंधा इन लोग का जीरो वाइज सन्नाटा है। हम किसी क्लब का नाम नहीं लेंगे, ये लोग लॉटरी वाला जिनका काम है अलग अलग तरीकों से जनता का शोषण करना। जो लोग भी क्लब में जुड़े हुए हैं उन लोग का डॉक्टर का फीस जाके आप देखिए, बिहार में एक आदमी से लोग 800,000 रुपया फीस लेते हैं, और बाद में किसी लॉटरी क्लब के द्वारा वो एगो कुछ करते नजर आएंगे। तो भाई साहब, मूल काम करिए ना, जनता जनार्दन के सेवा में लगिए। आप अपने क्लिनिक में जो भी लोग डॉक्टर हैं, आज के दिन हम उनको आग्रह करते हैं कि ऐसा नियम बनाइए कि जिनके भी परिवार शहीद हुए हो उनके परिजन को व्यवस्था करिए निशुल्क का, उनको वरीयता दीजिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। रही बात नगर निगम का, उनका भी एक जिम्मेवारी, कम से कम इसको साफ सफाई करना चाहिए था, एक पेंटिंग हो जानी चाहिए थी दीपावली में। देखिए, फंड हर चीज का आता है, लेकिन है ना, जागरूकता अवेयरनेस सिस्टम से काम करना है, और आप लोग ऐसे युवा साथी लगे हुए हैं, तो हम समझते हैं भविष्य में इसमें सुधार निश्चित रूप से आएगा।